आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 का ये रहा सिलेबस। मैं पढ़ दे रही हूँ सिलेबस। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स पहला पार्ट है, इसमें इंट्रोडक्शन। दूसरा है फैक्टर्स कॉजिंग नॉन लीनियरिटी। तीसरा है माइकल्स मेंटेन इक्वेशंस। ठीक है, आज का काम रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट और फैक्टर्स कॉजिंग नॉन लीनियरिटी। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ इंट्रोडक्शन से। अब ये पहला आता है प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या चीज़ है? व्हेन द चेंज इन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन इज प्रोपोर्शनल टू द डोज देन इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, मतलब जब प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन द डोज दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डोज दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब इस केस में जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, जब हम सेमी लॉग कंसेंट्रेशन को प्लॉट करते हैं वर्सेस टाइम के बीच में, तो हमें एक लीनियर लाइन आती है दैट इज सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल मतलब एक दूसरे के ऊपर एक मिरर इमेज बन जाती है। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। जो बाकी पैरामीटर्स है जो हमने अभी तक देखे हैं थर्ड यूनिट में, एफ वी डी के ए के ई क्लियरेंस रीनल क्लियरेंस हेपैटिक, ये सारे के सारे विद ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी ड्रग की कंसेंट्रेशन, हमारा ड्रग का अमाउंट कितना है, दैट मीन्स दीज आर द डोज इंडिपेंडेंट। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी व्हाट इज, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज सुपर पोजिशन, व्हाट इज डोज डिपेंडेंट या मिक्सड ऑर्डर काइनेटिक्स, डोज डिपेंडेंट या मिक्सड ऑर्डर या नॉन लीनियर या कैपेसिटी लिमिटेड काइनेटिक्स, ये इनके सिनोनिम्स हैं, मतलब इतने नाम इनके कॉमन है। ये क्या चीज़ है? देखो इनमें क्या है, मैं पढ़ दे रही हूँ। इन सम केसेस द रेट प्रोसेस ऑफ अ ड्रग इज डिपेंडेंट अपॉन कैरियर एंजाइम दैट आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक दैट हैव डेफिनेट कैपेसिटीज एंड गेट सेचुरेटेड एट हाई कंसेंट्रेशन। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि ये सारे जो ये चीज़ जो है, कुछ रेट प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं। सबस्ट्रेट उनके पास लिमिटेड है, कैपेसिटी लिमिटेड है, जितने सबस्ट्रेट होंगे उतने वो एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे, मतलब अपने ऊपर एनकाउंटर करते चले जाएंगे, मतलब डोज डिपेंडेंट होंगे। जैसे जैसे डोज बढ़ाओगे वैसे वैसे जब तक उनके पास सबस्ट्रेट अवेलेबल है तब तक वो लीनियर काइनेटिक्स करेंगे, बट एक स्टेज के बाद सबस्ट्रेट फुल हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, तब क्या होगा, तब वो लेफ्ट अनबाउंड रहेगी ड्रग, इसका मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मिक्सड ऑर्डर या नॉन लीनियर काइनेटिक्स। क्लियर है ना? इनिशियली फर्स्ट एंड बाद में जब सबस्ट्रेट सारे भर गए तो वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉजेज ऑफ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन लिनियरिटी। ये नॉन लिनियरिटी हो क्यों रही है, मतलब मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो रहा है, जीरो ऑर्डर भी हो रहा है, उसके चार स्पेसिफिक टर्म्स है जिसको हम पढ़ेंगे। दिस नॉन लिनियरिटी इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, नॉन लिनियरिटी इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म एंड ड्यू टू एक्सक्रीशन। अब एक एक बार वन बाय वन हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे, फिर ये। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इनमें ड्रग्स के नाम याद करने बहुत ज़रूरी हैं। ये क्वेश्चन का आंसर इनकम्प्लीट होगा यदि ड्रग्स के नाम नहीं पता होंगे। सो आई एम नाउ स्टार्टिंग विथ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन के तीन पार्ट्स हो गए। एब्जॉर्प्शन इज डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड, एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कैरियर मीडिएटेड, और जब हिपैटिक मेटाबॉलिज्म जो है वो सेचुरेट हो जाए। अब कैसे किया, इसका एग्जांपल है ग्रीसियोफेल्विन। ग्रीसियोफेल्विन इज वेरी पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग। ऑब्वियसली जब पुअरली वाटर सॉल्युबल है तो डिसोल्यूशन ही उसका रेट लिमिटेड स्टेप होगा। जब ये जीआईटी में जाती है तो जैसे जैसे इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये सेचुरेट हो जाती है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन हो जाएगी। अब आ जाओ राइबोफ्लेविन पे, मतलब जो कैरियर मीडिएटेड है। राइबोफ्लेविन चूंकि कैरियर मीडिएटेड है, शुरू में तो उसको कैरियर मिलते चले जाएंगे, बाद में कैरियर आके सबस्ट्रेट पूरे फुल हो जाएंगे तो राइबोफ्लेविन फिर सेचुरेट हो जाएगा। तीसरा आता है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म प्रोपेनोलॉल का। इसमें क्या है, जो प्रोपेनोलॉल है इसका प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म जो है हाई कंसेंट्रेशन पे सेचुरेबल है। जब तक प्रोपेनोलॉल की कंसेंट्रेशन कम है वैसे वैसे प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म जो है बढ़ता चला जाता है, बट जब प्रोपेनोलॉल की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये सेचुरेट हो जाएगा। तो सेचुरेट हो जाएगा मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन हो जाएगा, तो सारे के सारे फिर नॉन लीनियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो फैक्टर्स हैं, हमने पहले भी सेकेंड यूनिट में पढ़ा है, फर्स्ट सेकेंड यूनिट में ये चीज़ पढ़ी है
कि डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो है सैचुरेबल, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो सकती है, ये भी सैचुरेट हो सकती है। दूसरी कौन सी सैचुरेबल हो सकता है? टिश्यू बाइंडिंग, ठीक है ना। या तो इसको सैचुरेट कर दो प्लाज्मा प्रोटीन को, या टिश्यू को सैचुरेट कर दो। प्लाज्मा प्रोटीन का एग्जाम्पल आता है फिनाइल ब्यूटाजोन और नेप्रोक्सेन ड्रग। इन दोनों में क्या है कि इनके लिमिटेड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, जहाँ प्रोटीन बाइंडिंग खत्म सैचुरेट हो गए। ऐसे ही थायोपेंटाल है जो कि टिश्यू बाइंडिंग साइट पर बाइंड करता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जब इनकी बोलस डोज या मल्टीपल डोज देते हैं तो सेचुरेशन आ जाता है स्टोरेज साइट पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर ये नॉन लीनियर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे। एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब आते हैं हम मेटाबॉलिज्म पे। अब हम आते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म में। इसमें भी दो है, कैपेसिटी लिमिटेड और एंजाइम इंडक्शन। कैपेसिटी लिमिटेड में क्या है कि एंजाइम जो कि इनके लिमिटेड हैं, ये सेचुरेशन में चले जाएंगे, जहाँ जो एंजाइम ही कैरियर है, यदि वही सेचुरेट हो जाएंगे तो फिर इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल्स आर रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज का फोकस ऑन इट। एक तो इस तरह के फ्लो चार्ट्स बनाना और एग्जाम्पल याद रखना, ये प्रायरिटी है। इसका एग्जाम्पल है फेनिटोइन और एल्कोहल। एंजाइम इंडक्शन में क्या है, जैसे कार्बामाजेपिन ड्रग है, उसमें क्या है अ डिक्रीज इन प्लाज्मा। जैसे जैसे कार्बामेजिपिन की कंसेंट्रेशन आप बढ़ाते चले जाते हो, वैसे वैसे जो पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है, जो ऊपर ग्राफ आता था सीमेक्स वाला, वो रिड्यूस होने लगता है। दिस इज व्हाट, पढ़ देती हूँ। इन केस ऑफ कार्बामेजिपिन अ डिक्रीज इन पीक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन हैज बीन ऑब्जर्व ऑन अ रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं लास्ट, ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन में हमने पहले भी तीन पार्ट्स पढ़े थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस नॉन लीनियर काइनेटिक्स, पर जो सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन पार्ट है, ये दोनों नॉन लीनियर फॉलो करता है। कैसे? जो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब ब्लड से यूरिन में जाना, सिक्रीट होना, इसका मतलब यूरिन का कंसेंट्रेशन बढ़ना। पर जब ये प्रोसेस सेचुरेट हो जाएगा तो सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा। सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा मतलब यूरिन में जाना कम हो जाएगा। यूरिन में कम हो जाएगा तो देर विल बी डिक्रीज इन क्लियरेंस। क्लियर हो गई ये बात? जैसे जैसे सिक्रीशन है, वैसे वैसे यूरिन में जा रही है चीज़, पर जब सिक्रीशन स्टॉप हो गया या सेचुरेबल हो गया तो डिक्रीज इन यूरिन कंसेंट्रेशन हो गई। ऐसे अब आ जाओ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन किन का होता है? जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं। तो वाटर सॉल्युबल ड्रग का रीअब्जॉर्प्शन मतलब यूरिन से वापस से ब्लड में आना। अब जब ये प्रोसेस स्टॉप हो गया तो यूरिन से वापस ब्लड में नहीं आएगा, दैट मीन्स यूरिन में निकलेगा। इसका मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन रीनल क्लियरेंस। ये बहुत ही क्लियर है, डिक्रीज यहाँ पे रीनल क्लियरेंस है, इंक्रीज है। तो क्यों है, वो रीजन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इज आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन या ग्लूकोज, ठीक है। इनको आप रिवाइज करो, क्योंकि इनके ऊपर के मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी क्लासरूम ऐप में। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लासरूम ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, अभी भी बहुत सोच होकर ज्वाइन कर रहे हो आप लोग। चलो, थैंक यू।